सुनने वालों को पहले यहां बताना चाहूंगा कि आज जो तारीख है वो पहले आपको बता देना जरूरी है, 9 फरवरी। तो भाई जी, एक नवा एक स्टार्स ऑन द नीविंग न्यू सर्फ इन एनफी सरकार ने कायम की है। एक स्टार्स ऑन द नेमिंग न्यू सर्फ इन एनफी, ये स्टार्स ऑन द नेमिंग इनका एक काम है, बड़ा काम है, इन्फेस्टेडर्स को खोजने के लिए यही काम है। प्यारे भाइयों, बहुत से लोग ये बात सुनकर के हैरान हो चुका है, क्योंकि पता चला कि मिनिस्टर आर्मान अक्षयवर सिंह एंड अल्बर्ट रामदीन, ये दोनों राठवान कमिसारस, ये नया नाम रोज फरोज खाब जो है, इन दोनों उस पर बैठक लिया है। अरे चल कर पता है भाई जी कि डीएनआर जिन लोग ये बात से तो हैरान है, और डीएनआर की तरफ से खबर ये है कि वो लोग न्यूज के द्वारा, मीडिया के द्वारा इस स्टार्स ऑन नेमिंग के बारे में सुने हुए हैं। तो जाने ये नया जो बनल है जिसका नाम है न्यू सर्फ इन एनफी, ऐसा ही एक है इन्फेस्टर दैट सर्फ द डूल हीव्स ऑन इन्फेस्टेर दिस ऑन द ट्रैकन इन्फेस्टर। तो अब क्वालिटी एंड ओपोसिटी इंटरपलाची फोर्स्टल इंडियन की है, जिस तरह से पीएल आबॉप एमपीएस ये इंटरपलाची फोर्स्टल से जानना चाहते हैं कि न्यू सर्फ इन एनफी वजह क्या है कि इसका उद्घाटन हुआ है। और जैसे असेंबली का फोर सीटर ने कहा है तो बीफे को एक फ्रैक्सी ओवरलैक रहेगा। क्वालिटी और ओपोसिटी ये सब इंटरपलाची फोर्स्टल से जानना चाहते हैं। चलेंगे आगे तो पता कि भाई जी रखे में कुछ लोगों से हैरान है, जब सरकार ने सगरों ये बात ऐलान कर रहा है कि COVID-19 से बच करके रहना वो कुछ रिहर्सल्स है, प्रोटोकॉल है जिससे आपको उठना बैठना चाहिए। रखेले को यह बात सुनकर के बड़ी हैरानी है कि कुछ लोग ने COVID-19 मात्र रिहर्सल जो है, मात्र जो फैसला लिया है उनसे ये सहमत नहीं है, बहुत से जनता से नखेर। इसलिए सरकार ने जानते हैं कि जो लोग नखेर करते, जो लोग ने प्रोटोकॉल से काम नहीं करेंगे तो देश में ज्यादा से ज्यादा लोग बसबत होता है, ये तो आप रोजाना सुनते हैं। भैया जी आगे चल करके कुछ समस्या जो हुआ शुक्रवार को, एक ब्रॉम फिक्सर एक गाय को धक्का मार दिया री बैरक वैक यह रात्रि के समय में। भाई जी फ्राइडे आफ्टरनून बॉक्स्ड एंड ब्रॉम फिक्स टेक एंड को जे री बैरक वैक में रास्ता पार कर रहा था, ब्रोफिचर और जो ब्रोफिस पर बैठा था ये दोनों बहुत घायल हुआ है कि इन दोनों को उठा करके स्पुत ऐसन हिलप को पहुंचाया गया है। और जो धक्का लगा भाई तो ये गाय जो था ना, वो गाय वही जंगल में भाग निकला है, भाग गया है जंगल में। अब गाय थोड़ा खड़ा है क्या गोरी मार खाए खातिन, बस गाय भाई कूद के जंगल में और वहां से भाग गया है।
श्री परमेश्वर जी, श्रीमान परमेश्वर एक्स मिनिस्टर, ये जब आप जानते हैं कि एक कानून है, एक रिकल है कि मिनिस्टर्स लोग जो गाड़ी चलाते हैं 5 बरिस के बाद एक रिकल बनल है, यानी रखियरिंग में, कि ऐसा मिनिस्टर जो गाड़ी वो चलाया 4-5 बरिस जाते हुए समय वो खरीद सकते हैं। श्रीमान परमेश्वर जी ऐसा ही किया था। 20,48,000 ऐसे कुछ है जो पैसा भरे थे गाड़ी के लिए, एक्स मिनिस्टर के बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब देश में इसके बारे में हल्ला दंगा मचने लगा तो परमेश्वर ने वो गाड़ी को सरकार को वापस दे दिया है। परमेश्वर इतना पैसा भरे थे वो गाड़ी के लिए, तो ये पैसा मिनिस्टर ऑफ फिनांसियन मिनिस्टर अक्षय सिंह शुक्रवार को पार्लियामेंट में कहा कि ये पैसा परमेश्वर को वापस मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जी जो गाड़ी खरीद चुका था उस गाड़ी को सरकार को वापस दे दिया है। श्रीराम के तमाम जनता, मुकदमा जो चल रहा है क्रोमसुतो जिन मार्दों के ऊपर एक मुकदमा चला है, ये पोस्पार बांग के बात है, श्रीराम से पोस्पार बांग के बात। भाई जी, आप तो जानते कि वहां के तमाशा क्या हुआ है, कैसे वहां पैसा निकलने हैं। क्रोमसुतो भी ऐसे खबर आया कि अपना पॉलिटिक पार्टी को पैसा देते गया था वहां से, उसी बैंक से, ना पॉलिटिक कंपाइये के लिए के बात चल रहा है। यह मुकदमा भैया आज राजकोट में, सब गवाह अभी जज के सामने आ नहीं पाया है, कुछ गवाह से पूछताछ हो चुका है बातचीत, लेकिन 11 मार्च को यह मुकदमा जज के सामने फिर लाया जाएगा। इसी कारण से गिरमार दो क्रोमसुतो अभी तक जेल में रहेगा, क्योंकि 11 मार्च को यह मुकदमा फिर कोर्ट में आएगा और कुछ गवाह आएगा और यहां पर जज को इंफॉर्मेशन के अवसर हुई है कि बैंक के पैसा कैसे गया बाहर, कैसे फिर आया, कैसे ये कैसे सब हो रहा था, ये सब बात रखकर जानना चाहता है। गिरमार दो क्रोमसुतो इन पर सब कोई भरोसा करके बैंक का डायरेक्टर के दर्जा दिया गया, लेकिन आप खुद देखे हैं कि कैसे बैंक की कुर्सी बैठ करके आदमी ने क्या किया है। भाई जी, मिनिस्टर युबितांगा के कहना है कि बहुत जल्द अमेरिकन एयरलाइंस का उड़ान होगा मेक्सिको और सूरीनाम पर। अमेरिकन एयरलाइंस यहां से लोग को ले जाएगा, वहां से लोग को लाएगा, मतलब कि हवाई जहाज का उड़ान के बारे में मिनिस्टर युबितांगा ने कहा है। तो ये हवाई जहाज बहुत जल्द शायद जुनी महीना में शुरुआत कर देगा, जो अमेरिकन एयरलाइंस यानी लोग को लाएगा और यहां से ले जाएगा। तो ये सब बात पता चला है। हमारे भैया जी, जहां तक लोग ये आवाज को सुन रहे हैं, पुलिस स्टेशन होटल एक अरेस्टांट बसमैट था, इसी कारण से पुलिस स्टेशन होटल जहां कोविड नहीं खनतीन, प्यारे भाइयों, एक अरेस्टांट बसमैट था, इसलिए उसको हटा करके पहले अनस्मैट किया गया है, यानी कि वहां झाड़ बहार किया गया है, स्पेक किया गया है, और वो अरेस्तान को एक अपर्ट सेल में रख दिया गया है।
अपार्ट सेल में। तो ये था पुलिस स्टेशन होटल के बारे में, ये तो जिक्र हुआ और बहुत से लोग ने इसके बारे में भी चर्चा किए थे। 40,000 अनफ्राखन डिस्पेंसासी के लिए लोग मांग किए हैं रात बिलात करके लॉकडाउन के समय दाम पर आने के लिए। ये बात हेनरी सेडोरफ प्लाट्स फॉर फंगन कॉर्प शेफ एंड फोर्सेटर फॉर द कोविड 19 कमेसी फॉर कॉलेज पुलिसी सूरीनाम ये ऐलान किया है। फिर तक डिवीजन अनफ्राखन, ये लोग रात बिलात करके अपने काम के वजह से या कोई कारण के वजह से ये लोग ने सड़कों पर आना चाहते हैं। ये डिस्पेंसासी के लिए डायरेक्टोरेट नेशनल फेवक है, ये आगे देखेगा क्या करेगा, क्योंकि रात बिरात करके कौन लोग आते हैं दाम पर, किसको आना चाहिए ना? तो प्यारे जनता, 40,000 अनफ्राखन फॉर डिस्पेंसासी। प्यारे प्यारे जनता, हमारे सूरीनाम के जनता, ओली मस्कपेई, एक ओली मस्कपेई, ये फ्रांस ओली मस्कपेई है, फ्रांस ओली मस्कपेई, रूबीस 24 टैबलेट्स इंक्लूसिव हुजन ये डोनेट किया है मिनिस्ट्री फॉर ऑन द रेस एंड कल्चर को। आप तो जानते हैं ये मिनिस्ट्री ने अस्तांत ऑन द रेस का शुरुआत करने जा रहा है। सेल्स मैनेजर एवांग एरविंग ये बात देख करके और यही बात ने समझा कि उन्हें भी मदद करना चाहिए। ये ओली मस्कपेई, फ्रांस ओली मस्कपेई, रूबीस 24 टैबलेट्स इंक्लूसिव हुजन ऑन द वेस मिनिस्टर को डोनेट किया है। प्यारे भाइयों, और जैसे आप लोग जानते हैं, द डोनाची जो गया है तो द फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सनिचारी ये टैबलेट्स जो है मिनिस्ट्री फॉर द एड फॉर इंफान आईसीटी एजुकेशन के लिए भी यानी दिया है। अनेक अनेक प्रकार की जरूरी पड़ता है तो इसलिए आप जानते हैं। हम आगे कुछ बात बताना चाहते हैं आप लोग को भाई जी। अब बात यह है, एक तीन चार लोग आदमी के बात है, RK 16 यार RS 16 यार, AM 13 यार, EP 13 यार, कल इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जेल में यह झगड़ा हुआ भाई जी, दौरा कोलंबिया में एक आदमी ने अपना सवारी को वहां घुमाना चाहते थे उनकी इंद्रित में। कुछ नौजवानों ने इंद्रित के तरफ खड़ा था, जो लोग ने उस गाड़ी को घुमाने के लिए वहां पर इनकार कर दिया। बस्ती जो वहां से चला गया, लेकिन बाद में कुछ शायद कहा होगा, और यही वजह है कि लोग ने उनको पकड़ करके और बहुत पिटाई पीटले हैं। खसखोट सहवतून सामन है सलाख्त ओफर खसलाखन खसखोट एंड खतरत आंसन होट अरमन एंड बेनन, ऊपर से एक फाक से भी उनको मर रहे हैं। ये शोफेर को मेरी से हेल्प लेना पड़ा और शर्मक्का के पुलिस ही इन्हों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। एक एट हाउस के बारे सुनियो, सोवस डे स्ट्रात में एट हाउस जहां लोग खाना बना करके बेचते वगैरह ना, वहां पर चोर लोग, दो चोर घुस करके, मुमकिन एक औरत एक मर्द, 50,000 नगद पैसा, ब्लेंडर, कई कोना पड़ा तीरन, ये सब सामान वहां से चोरी करके और वहां से भाग गया है। मुमकिन है कि ये दोनों ड्रग्स को ब्रेकर है, मान एंड फ्रॉड, और ये कास रजिस्टर
खाली कर दिया 50,000 नगद पैसा। बहुत से लोग जो सर्कल साख से काम न कर पाते हैं तो उन लोगों को पूछना चाहिए पहले। एक 62 साल का औरत परिसाद वक्त में सर्कल साख से कुछ काम कर रही थी, लेकिन जब ये अपने आप को संभाल नहीं पाई तो उनका रेक्टर बोफन बेन एंड ऑनदर बैक ये घायल हो गया है उसी सर्कल साख से। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लोग उठा करके स्पुत ऐसे हेल्प को पहुंचाया गया है। देखिए सर्कल साख से अगर काम आप न कर सकते हैं, न कर पाते हैं, तो आपको उस पर हाथ में हाथ लेकर के कि आप हम कुछ शुरुआत करें वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरों से करवा दीजिए भाई जी। फ्रॉफरमोंटेजस वर्कन मेट सर्कल साख, जब तू न कर पावे सर्कल साख से काम तो उसको चलाना जरूरी नहीं है। हम आगे चल करके यहां देखा गया है कि एक 8 autobus stewards बबूत फोर ओवर ट्रेडिंग लॉकडाउन बाई ट्रेन ब्रखन शर्मा का लॉकडाउन वीकेंड में 8 autobus stewards को सिपाही ने जार भरवाया है। बुतू 305 एलिफेंट हैन इस बबूत फोर 305 SRD एक प्रोसेस फरबाल बना उन लोगों के लिए। ये जो लॉकडाउन है भाई जी, जब बोले 7 बजे से 5 बजे तक आपको डाम पर नहीं आना चाहिए अगर आपके पास प्रवेश नहीं है, अगर आपके पास चिट्ठी नहीं है, तो आपको मनमानी काम नहीं करना चाहिए। आप देखो 350 कितना मुसीबत से में ये काम आते हैं। फाइव तक घर के अंदर में तेल चीनी शुक्र वगैरह सब कुछ आपको मिल सकता था। अब देखो मनमानी आप कर लो रात करके, अब इतना पैसा सरकार के कस में जा रहा है। एक रखमान एडी ब्रूमास्त्रात में उनका मोबाइल टेलीफोन और उनका सामान एक स्वर्फर ने लूट करके और भाग गया है, भाग गया भैया एक स्वर्फर ने। हम आगे चल करके एक बात बताना चाहूंगा, एक औरत एक मर्द जिन दोनों में रिलाक्सी था एक औरत और नरेंद्र कुमार एल एक औरत। प्यारे भाइयों, ये कोर्ट कचहरी होने लगा है, कोर्ट कचहरी अब होने लगा है। रेक्टर अब सवाल करती है औरत से कि बात क्या है, तो औरत ने बोल रही है कि एक रलाची ने शुरू की नरेंद्र कुमार एल से और फिया फेसबुक के द्वारा उनसे मुलाकात भी हुआ। हे वेलेक्ट बैन कम भी हो, और इसी कारण से ये औरत उन्हें पैसा दिया चुरवाने के लिए, वेसल करने के लिए, यानी डिफिशन दिया है चुरवाने के लिए, हेल्प एंड बैठक वेसल ऑफ आखर। प्यारे भाइयों, ये औरत ने क्या कहती है, एक सवारी एक मोटरगाड़ी ये खरीदना चाहती थी। नरेंद्र कुमार के साथ ये औरत एक ऑटो हैंडल साख जहां पर गाड़ी बिकता है वहां गई है, गाड़ी देखने के लिए गई है, एक गाड़ी पसंद कर लिया और 2,600 अमेरिका से डॉलर फर्स्ट खुद दे दिया है। ऑटो फॉर बॉय यार 2012 जैसे दोनों गए हैं, एक औरत और उनका लॉवर यानी कि न्यू लॉवर नरेंद्र कुमार एल, ये दोनों ने एक सवारी देखने के लिए गया है एक ऑटो हैंडलर के पास। गाड़ी ने देख लिया
2600 अमेरिका से डॉलर फौज खरीदारी के लिए भर दिया बॉयार ट्रेडिशन ट्रॉल। ये गाड़ी के क्विटांसी जो ट्रेडिशन जैस होंडर क्विटांसी ऑटो बद्रेफ ऑटो हैंडल साथ जो लिखी से तो वो नरेंद्र कुमार एल अपने जेब में क्विटांसी रख लिया और यह क्विटांसी लेकर के ये आदमी क्या कर रहा है। दो दिन के बाद में नरेंद्र कुमार एल वो ऑटो हैंडलर के पास फिर गया है वही क्विटांसी लेकर के। हम बात करते हैं टिन यानी वारी फोर एक्सआर के लिए। ऑटो डीलर के पास गया तो बोले देख तनी मुसीबत है फोर्स खोतवा तनी से हम निकालब और बाद में पैसा ला देवे। ये आदमी ने जिसका नाम नरेंद्र कुमार 1500 अमेरिका से डॉलर बद्रेव से फिर वापस ले लिया ऑटो हैंडलर से 1500 वापस ले लिया। अब ये बात इतना दूर तक है कि अब न इनको गाड़ी मिलता है न नरेंद्र मिलता तो अब ये कोर्ट कचहरी हुआ। अब ये औरत के हक जो है ना असही बात कहती है कि जब वो वहां पर ऑटो हैंडलर को दे करके आई है तो ये आदमी बाद में जाकर के 1500 पैसा वापस ले लिया $1500। हु कॉम्स हेट दैट मेन हेल्प इज अफगानिस्तान हेट इज मेन हेल्प ये हमारा पैसा कैसे ऑटो हैंडलर नरेंद्र कुमार को 1500 पैसा लौटा दिया। अब ये और शक कर रही है कि ऑटो हैंडलर और नरेंद्र कुमार मिलकर के इस औरत को ठगे हैं। प्यारे जनता ये औरत कुछ पैरकिंग से है बहुत मायूस हो चुकी है इंसान पर कि कितनी चोर इंसान हो जाता है। अब फेब्रुआरी के एंड फेब्रुआरी में वो सिर्फ 100 अमेरिकन से डॉलर अफलोस करना चाहता है नरेंद्र जी है ऐसा बद्री खर और क्या चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट ने कहती है ऐसा बद्री खर एक खलो फैमनीच क्यों आकर के पैसा देगा आखमार को ये बहादुरिंग ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। भाई जी एक आदमी जिसका नाम फ्रांक ट्रेडमैन एडवोकेट ये पहले था हुफ अम्तनार जस्टिसी का उसके बाद फ्रांक एनपी का रखेरिंग में बनुम हुआ डायरेक्टर सुशाल झाक फ्रांक ट्रेडमैन कुछ साल बाद में फ्रांक ट्रेडमैन हुआ रेक्टर उनका एक बेटा भी एडवोकेट था रगीन शायद कुछ गलत काम किया होगा तो फ्रांक ट्रेडमैन जज की कुर्सी भी छोड़ दिया फिर एडवोकेट हो गया। एडवोकेट था ट्रेडमैन फ्रांक गिलमोर हुक्त का एडवोकेट था भी शुक्रवार को ये कोर्ट में था तब बीफे को और सुख को भी न रक्षा में था ट्रेडमैन फ्रांक फ्रांक सैफ ने तख्त यार एडवोकेट फ्रांक ट्रेडमैन 87 साल की आयु में इतवार के रात्रि को उनका लाश मिला है बदकामर में शायद ओंजिल दले खाम इस आन खतरोफन इन द बट कामर है वास एन फन द एडवोकेट फन एक्स मिनिस्टर गिलमोर हुब्द्राट फॉर फिनांसियन। फ्रांक एक बहुत मेहनती इंसान था उनका संग साथी उन्हें त्रुका के नाम से जानते थे त्रुका हम लोग बड़े साल तक मिलकर काम भी किए
Frank was directeur van sociale zaken. और फ्रांक भी रेक्टर हुआ जो बहुत अच्छे काम कर रहा था. और फ्रांक इन दिनों में पत्रकार के काम कर रहा था. इनका बेटा रगीन के मृत्यु पहले हो चुकी थी और गिलमोर हुजरात का वकालत करता था, लेकिन इतवार को इनका मृत्यु हो गई है. जरूर सूरीनाम की जनता इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं, हम लोग भी, क्योंकि हम लोग से बहुत दोस्ती था फ्रांक से और फ्रांक का मृत्यु हुई है. और ये एक पुराना अथोकार था, एक पुराना अथोकार. पुराना अथोकार में से दो लोग हैं, जिस तरह से हमारा दोस्त ऑस्कर, ऑस्कर कॉलन, और ये था फ्रांक ट्रेडमैन. ये पुराना जमाना के यही दो पुराना अथोकाट और फ्रांक का मृत्यु हो गई है. हम लोग परिवार ट्रेडमैन को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. वाहनियन के जनता कुछ नाराज से है भैया जी, वाहनियन के जनता सहमत नहीं है कि वाहनियन के लिए एक नया स्टिंग मशीनर लॉन्गबो मिनिस्टर प्रहलाद सिंह ने बनुम किया है. वाखर की जनता बहुत नाराज है इस बात से या मायूस है इस बात से कि यह स्टिंग जो बनुम हुआ है इसमें वाखरिंगन का कोई आदमी को नहीं रखा गया है. वहां का जनता कहते हैं कि हम लोग भूचर है भी, हम लोग डोंकाव है भी, हम लोग कुछ न जानी ला खेती के बारे में, इसीलिए खाली सहरिया बाबू लोग को रखा गया है. सहरिया बाबू लोग को अले स्टेज रंगन के एम वाहन का इंसान ने अपना आवाज को उठाया है. वो कहता कि मिनिस्टर वही लोग को रखा है जो वाहन के चौपट कर दिया है. He said that the LFA minister had just for cohesion heeft of mensen die geholpen hebben het bedrijf kapot te maken en het bestuur zitten te laten hebben. ये सब क्या कहते हैं कि जो बस्ती पहले था उसमें था कार्लो सुमो टी नोयो पित्रो क्रिस्लो क्रिस्लो जर्मेन फन ओमरन. ये सब वाहनियन का निवासी जो एसएमएल का नस नस ये लोग जानता है. वट है मैंने गंगाराम पांडे फॉर एसएमएल खदान तुन्हें मिनिस्टर फॉर एलपीपी वास. वट है इमरो मांगली खदान है सो सेल्फ अ डिक फिंगर इन द पप हट हेवन दट हट बद्रेव टन onder is gegaan omdat hij het bedrijf wilde overnemen, beweerde Wageninger. Pjare bhaiyon, hoe komt het dat het veebedrijf van Wageningen nu aan de ondernemer toebehoort? Duizenden hectare grond die SML toebehoorde, heeft Mangali jaren geleden voor een appel en een ei gekocht. Je is behoud ze heraan, bhaiya. Ook dat moet onderzocht worden, vindt de Wageninger, die ongezouten zijn kritiek levert op het pas geïnstalleerde bestuur en het beleid van de LVV-minister. Bhaiji, bari garbar, yaar. Bahut garbar. Je lo kya kehte hai ki jab se bedrijf वेस्टलैंड सामा ग्रुप ने वहां काम करने लगा है, वहां के नौजवानों को काम मिला है. क्रिएट यौरन है बांध क्रेख वगैरह वगैरह है. पहले फरवार लोस्त रहा, अब वहां पर खेती बाड़ी होता है, लोगों को नौकरी मिला है, लोग अपने घर में चूल्हा जलाता वगैरह वगैरह. ये लोग ने सामा ग्रुप को तारीफ करता है. प्यारे भाइयों,
Wageningers niet blij met nieuw bestuur SML. Bout garbar garbar feel hota baap. Ab ke ke samjhiyo ke ke samjhiyo ke ke ka batayyo ke yahi to sab problem hai desh ke andar mein. Hum aapko bataunga bhai ji. Stichting 8 december 1982. Stichting 8 december 1982. Jiska voorzitter hai Sriman Sunil Umrao Singh. Suriname ka president Sri Chandrika Prasad Santokhi ko chitti bhej karke kaha, Bras, ye 25 February jo ek national face dag, prayer dag, ye kehta hai ki unhe national prayer dag se nikal dena chahiye kyunki wo national prayer dag nahi hona chahiye. Pyare janta, de stichting 8 december 1982, voorzitter Sunil Umrao Singh ko ye sandesha mila ki 25 February jo ek national feestdag tha, aaj se wo national feestdag ke karar nikal chuka hai. Dus er is geen feestdag meer op 25 February, matlab ki geen national feestdag. वैसे तो आप जानते हैं कि जो लोग ये समस्या को मानते हैं तो कुछ ना कुछ लोग करेगा, वो जो डेमोक्रेसी से रेक्ट है सूरीनाम की जनता, वो हर एक अपना अपना उत्सव मना सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसको नेशनल करार अब नहीं दिया है. और मिनिस्टर ब्रोंटो फ्रांसोमोहाजो ब्रोंटो बिना ससा का एक यानी कि एलपीएम स्टेप बना करके और ये समस्या को खारिज करवा दिया है. दिस अब 15 फरवरी इस खीन नेशनल फेस डाक मेल. आप तो जानते भाई जी 12 तारीख को हमारा चीनवा परिवार लोग का नई साल और ये 12 फरवरी को एक नेशनल फेस डाक है. आप इस पर गौर करना, 12 फरवरी को चीनीज के नया साल है और हमारा देश के सरकार चीनीज फैमिली को इस तारीख को एक नेशनल फेस्टिवल के करार दिया है. तो हर एक चीनवा परिवार और सूरीनाम के खेरें सूरीनाम के जनता इस उत्सव को मनाएगा. ऐसे नेशनल फेस्टिवल तो हर एक जनता चिन्वा परिवार के साथ मिलके मनाएगा. दैट इज 12 फरवरी अनस्टैंड. हम आगे चलते भाई जी, आज जो 24 घंटे के भीतर में फिरन ट्वेन तक यूर के घंटा के अंदर में जो सबके कंट्रोल हुआ है, तो दुख के बात है कि नई खंतीन लोग याने प्यारे जनता बसमैत हुआ है. इंटेंसिव केयर में 8 लोग इस वक्त है. जिक्र है इसमें द्रियन सेस्टर इसोलासी में होने द्रियन डेट तक और अब 126 लोग का मृत्यु हो चुकी है. 162 लोग सूरीनाम में कोरोना वायरस के कारण से इन लोग का मौत हुआ है. 162 नया जो आज गिना गया है, तो नई खंती नया और इंटेंसिव केयर में 8 लोग इस वक्त है. एंड 162 इतना लोग का मौत हो चुका है. हमारे सूरीनाम की तमाम जनता आप बताइए, ये इतना जनता रोज कहां से आवे भाई जी. आप हमसे बताइए, रोजाना आज देखो नई खंतीन लोग बस मैच हुआ है, ये कहां से आई सर, कौन अलग से आई सर. प्यारे प्यारे लोग, अभी मैंने जिक्र किया है न्यू सर्फ एंड एनफी के बारे में,
Je oprechte Nieuwsurfen NV is nog niet besproken binnen raad van ministers. En ja, halla dangalong machani laga. De bedoeling is om dit aan RVM voor te houden wanneer het helemaal volledig vorm heeft gehad. En ja, halla koedine laga bhai. लोग कूदने लगा जहां पर लोग को कूदना चाहिए तो नहीं कूदते हैं, जिस चीज के लिए लोग को कुछ करना चाहिए नहीं करता है। मिनिस्टर भी न्यूज़ एनफे नीट बस प्रोकन बिनरा फॉर मिनिस्टर्स एंड द बदूलिंग इज ऑफ दिस एफएम फोर टू हाउजन वन इट हैट ही दमाल फॉली द फॉरम ही हाथ। और यहां जनता भाई कूदे जैसे हम समझ पाएगा कितना ऊपर कूदत है, कितना ऊपर से कूद के कहां गिरत है या न गिरत है, समझ में नहीं आते हैं कि देशवा में का होने लगा है। जैसे कि देश में कुछ ऐसा चीज आ गया है ना, इतना लुकुमान होते हुए देश में टेलीविजन देखियो, अनेक अनेक प्रकार के संदेशा, पैसा जीतना है मेहरारू का लड़का न हो तो मेरे पास आइयो, कैसे लड़का मांगत हो, लाल हरियर पियर कैसन, कितना पैसा, कितना सोना, कितना गहना। और एक देश में देखो गरीबी चलता है, इतना लोग सरकार को चाहिए एक मिनिस्टरी खोल देने के लिए लुकुमान के नाम पर ताकि तुम्हें सहायता दे। अब यही बात है न्यू सेल्फ एन एम पी नॉक नीट बस प्रोकन बेनल राठवा मिनिस्टर्स अकिम्बोतो सर्खियो अकिम्बोतो ये वापस आना चाहते पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एक मतलब चिट्ठी लिख करके इस्तीफा ले लिया, अब ये वापस आना चाहता है। मरीनस बे बोले कानून हमारे हाथ में है, और कानून लेकर के सिर्फ मैं एक बात कह सकता हूं आपकी वोटों को, बोले यू हैव टू रो द कार्ट, यू हैव टू रो द कार्ट। अब देखो मुकदमा में ये क्या क्या होगा, रेक्चर क्या करेगा, क्या फैसला होगा, श्रीनाम की जनता इंतजार करते रहना, मैं देख रहा हूं। ये क्या है के है असेंबली वेट हरियत रामदीन कि स्कूल भी निकेरी कोरोनी में भी खुलना चाहिए, निकेरी और कोरोनी के स्कूल दिस नीच अल इन बेलांस ओके निकेरी एंड कोरोनी मुत सोल ओपखान, ये इनका विचार है। तो अब देखो जनता ना, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, आप तो जानते हैं आप चलाक चलाक लोग हैं, इसलिए बहुत बात हम आपसे ना कह सकते हैं। नो खेन खसप्रैकन ओवर लोन रंदस माइकल मिस्कीन ट्रैकर फॉर कलेक्टिव फंड से एलो लेट बॉन्डन, कहता कि अभी हम लोग बातचीत नहीं कर पाए हैं लोन राउंड के बारे में, लेकिन ये लोन राउंड के सिलसिले में बातचीत चल रहा था ना? और देखो कब अभी आईएमएफ से बातचीत होता है, आईएमएफ से बातचीत करने के बाद तो देखो कि सरकार कौन ऐसा फैसला लेता है। ये सही बात है भाई जी कि हर एक अमतनार के एक लोन रौंद के द्वारा एक फरहोखी मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी बहुत हो गया है और इसको सुधारने के लिए एक लोन रौंद की जरूरी है। प्यारे प्यारे जनता, हम देख रहे हैं कि सब लोग एक ही बात समझता है कि कैसे बेंजीन प्राइस चहर गया, प्लस चलेंगे स्टेकिंग बेंजीन प्राइस सोल। भाई जी ऐसे अब लग रहा है कि अब तेल जो है, तेल सूरीनाम में जो तेल अभी निकलने वाला है और जो तेल वो खरीद करके लाता है, शायद इस ये प्राइस अब उतरेगा नहीं,
ग्यारह होएंगे, बारह होएंगे, तेरह होएंगे, चलते जा रहा ऊपर में। क्या IMF का विचार था फिर तक SRD पर लीटर या देर तक SRD, क्या होगा देश में? तो यही दुख के संदेशा है भाई जी, ये दुख के संदेशा है। और हम आपको और कुछ बोल नहीं पाएंगे प्यारे भैया। कल हमारा एक कांतोर का ओपनिंग रहेगा और ये है एक द स्टिफ्टिंग नेशनल क्रिमासी ओर का हमारा कांतोर जो तैयार हुआ। तो हमारा देशी जो शर्मा काके है देशी, तो उनसे हमने निवेदन की है बंसी दुर्गा से कि वो आकर के उद्घाटन करेगा कल सुबह, और हमारा बस्ती भी रहेगा। खास करके हमारा बस्ती जो कल छुट्टी ले सकते हैं तो आपको वहाँ आ जाना चाहिए 8 बजे के समय। तो हम लोग वहाँ उस कांतोर को उद्घाटन करेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग रोज़ाना कोई न कोई बस्ती वहाँ रहेगा, और ख़ास करके बस्ती देश के भी लोग हम लोग को सहायता देगा। तो मैं बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरा जनता को जो मुझे मदद दिया कि हम उस कांतोर को खड़ा कर सका। और वो कांतोर से बहुत से काम अभी होगा देश के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ वाटर लाइनिंग के पानी ले जाने के लिए हम लोग को विचार है, स्ट्रोम भी ले जाने के लिए, ताकि जनता भी धीरे धीरे बसे लगे वहाँ, जनता भी जा कर के रहने लगे सबके खेत द्वार खेत वगैरह ना। तो इसी कारण से ये सब काम के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और ये सिर्फ हो सकता है जब जनता हमारे साथ रहेगा, मदद भी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो लोग मिल करके इन तमाम चीज़ों कर सकेंगे। तो भाई जी शुक्रिया, और हम लोग जून के 5 तारीख के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम अपने बस्ती के साथ आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग सुनते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ भाई जी। मौसी से रहियो, अच्छा से रहियो मौसी और काकी, और देखियो प्रार्थना करो भगवान से, ईश्वर से, और खास करके खुदा से दुआ करो कि हम लोग के देश में जो ये कोरोना वायरस फैल गया है इनको दूर किया जाए। आप दुआ करो प्रार्थना करो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए, अपने सरकार के लिए दुआ करो प्रार्थना करो, वही हम लोग को बचा सकता है। दुआ में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतनी ताकत है। ग्रंथोस्त्रा नंबर 70 को आता से श्रीमान कृष्णा दत्त पाउतू सोख के साथ सूचना देते हुए 20 फरवरी की 4 तारीख को 74 साल की उम्र में श्रीमान कृष्णा दत्त पाउतू के बड़ की श्रीमती सीता पाउतू गंगाराम की बहन, 5 बेटी 1 बेटा के मौसी, 3 दामाद के मौसिया सास, लड़कों के नानी आजी और परनानी, स्वर्गीय शीला पालतू के मौसी, स्वर्गीय भोन गंगाराम, स्वर्गीय दोन गंगाराम सुखलाओ के बेटी, स्वर्गीय इंदरजीत गंगाराम, स्वर्गीय इंदरदेई अंगनू गंगाराम और स्वर्गीय रोम गंगाराम की बहन, नेदरलैंड डेनहाग के रहने वाली श्रीमती लाली लालजी गंगाराम की मृत्यु हुई है। सूरीनाम में कोमांस्त्रात 42 क्वाता के रहने वाली थी। 20 फरवरी की 11 तारीख अर्थी नेदरलैंड में दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। लेडिंग 9 आसी श्रीमान स्वामी रघुनाथ सोख के साथ सूचना देते हैं। सुख फरवरी की 5 तारीख को 72 साल की उम्र में श्रीमान स्वामी रघुनाथ का सार श्रीमती कमलावती रघुनाथ सेवराज का भाई, 6 लड़कों का मामा, 3 पतो 3 दामाद का ममुआ ससुर, 12 लड़कों का आजा और नाना, कालका प्रोजेक्ट के रहने वाले श्रीमान भगवान प्रसाद कॉर्नेलस सेवराज की मृत्यु हुई है।
अर्थी 20 फरवरी की 11 तारीख सुबह 7 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। 9 बजे निवास स्थान कालका प्रोजेक्ट 21 से उठाई जाएगी। 10 बजे क्रेमासी और अर्थकेक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों को खबर दी जाती है। Wij zitten hier vandaag in de studio van RBN met maar liefst 2 Sagers. De cameraman is Sager en onze gast is ook Sager. Voor we gaan kijken en luisteren naar Sager, wil ik natuurlijk een woord van dank richten aan al onze fantastische adverteerders. Welkom in de studio, Sager Kandhai. Wie is Sager? Dankjewel, Fausha. Mijn naam is Sager Kandhai, woonachtig in district Saramaka, resort Groningen. Ik ben een jonge kerel van ampertjes 30 jaar en ben op dit moment student op het UNASAT richting bedrijfskunde. Nou, dat is Sager Kandhai uit Saramaka, Groningen. En ja, ik zou zeggen, vandaag is het Saramaka versus Komohene. En we gaan luisteren, we gaan babbelen met Sager. Sager, je hebt een lied gezongen. Je hebt zoveel liederen gezongen. Welk lied zou je voor ons nu willen zingen? Ja, inderdaad. Ik heb enkele liederen gezongen. Die zijn ook te vinden op YouTube. En om nu misschien een lied voor jullie te zingen, dan heb ik eentje op dit moment. Misschien kunnen we dat eens gezamenlijk doen. En ik zou dan willen beginnen met Ik Ajinami bijvoorbeeld. Of jij zingt jouw lied en je stopt en dat woord waarmee je stopt neem ik op en dan begint mijn lied daarmee. Oké, kunnen we ook proberen. Zal ik dan beginnen? Oké. Ik Ajinami Hasina se Yumulakat Hogei. Oké, ik ben geen zangeres zoals hij zo'n goede zanger is, maar ik zal het toch proberen. Ye hoge ye, toch? Ye sama, sama hai pyaar ka, kisi ke intezaar ka. Als je in een zwembad zou mogen springen, waarmee moest dat zwembad gevuld zijn, behalve water? In een zwembad springen, normaal is het gevuld met water, maar ik zou graag in een zwembad willen springen. Vol liefde. Vol liefde, wauw. Jullie zijn allemaal zulke eerlijke, goedhartige mensen. Deze keer zou ik in een zwembad willen springen, vol met papieren bankbiljetten. Echt wel. Maar goed, misschien in mijn dromen, hè? Ik heb zoveel plannen met dat geld, vandaar. Sager Kandhai. Ken je de toenmalige minister Kandhai van openbare werken? Ja, die ken ik heel goed. Hoe komt het? Zijn jullie familie? Ja, we zijn families van elkaar. Oké. Nou, van hieruit de groetjes aan de heer Ganesh Kumar Kandhai en zijn familie. Nou, Sager, heb je nog een ander nummer die je ten gehoor wil brengen? Ja, als volgende nummer. Dan ik ga weer een ander lied nu zingen. Ik zal dat eindigen met het woordje en dan spring jij in om te kijken hoe jij welk liedje in mind hebt. Akkoord. Oké. Dan beginnen we met Jab koi baat bigad jaye, jab koi mushkil par jaye, tum dena saath mera. Mera dil bhi कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है वैसे सिट हियर इन द स्टूडियो मैट सागर कंधाई द सिंगर केक एक बेन गीन सिंगरेस Maar ik durf wel te zingen, want dit is echt Komohene versus Saramaka.
Sagar, kom op man. Zing weer iets voor onze geweldige kijkers. Oké. Dan zal ik mijn eerste cover zingen dat ik heb opgenomen. Ik denk ampertjes 3 jaar terug. En dan ga ik dat zingen en dan gaat de presentatrice Fausia ook meehelpen zingen dit keer. Ye raate ab nahi dhadakti din bhi saanse nahi lete ab to aa jao mere sonya baate reh gayi adhuri mere labon pe zaruri aankhe sun jao mere sonya tere tere bin main yu kaise jiya kaise jiya tere bin. Ik weet dat ik geen partij ben, maar ik durf het wel hoor. En ik zeg, iedereen moet het gewoon een keer doen. En voor Sagar, de volgende vraag. Sagar, heb jij ooit iets ergs meegemaakt in je leven? Iets ernstig in mijn leven? Nee, ik heb dat niet meegemaakt en ik zou dat ook niet willen meemaken. Dus nee, antwoord is nee. En misschien aan jou de vraag. Heb jij misschien iets in je leven meegemaakt, in je jeugd, waarvan je zou zeggen van nou, dit is wel even schrikbarend. Ja, ik heb zoveel gekke, rare dingen meegemaakt. Maar iets dat me echt een hele poos heeft bezig gehouden. Ik was nog geen 10 jaar hoor. Ergens tussen 5 en 10 was ik. Toen een tante van mijn moeder overleed. En we kwamen er best wel vaak tegen. Waarschijnlijk is dat de reden geweest dat mijn moeder me echt naar die begrafenis heeft meegenomen. Want ik, als je het mij vraagt, moet je kinderen niet zomaar naar een begrafenis brengen. Ze heeft me meegenomen. En ik weet, ik ken die vrouw. Ik kwam er bijna elke week tegen. Het was een blanke vrouw. Maar ik was nooit van mijn leven naar een begrafenis geweest. Daar sta ik dan voor die kist. En ik kijk en ik zie een hele donkere vrouw. En ik kan me nauwelijks voorstellen. Ik schrik verschrikkelijk ervan. Want het was echt voor het eerst dat ik een lijk zag. En nog erbij, je zegt me dat zij is overleden. Maar wat ik daar in die kist zie. Ik schrik vreselijk en ik vraag aan mijn moeder. Weet een kindervraag, weet je, hoe komt het dat ze zo is geworden? En toen bleek, dus mijn moeder vertelde, ik hoorde ook die mensen praten, dat ze een aanval heeft gehad en dat ze door die aanval zo is geworden. Wel, ik kreeg de schrik van mijn leven. En ik ga jullie straks vertellen hoe dit me heeft achtervolgd. Sagar, uit welke film zijn die twee liederen trouwens die je hebt gezongen? Je Rate is afkomstig uit de film. Je Rate, ik ben de naam van de film even kwijt. En de zanger? Ik denk als het goed is van Arijit Singh moet het zijn hoor, maar ik ben niet zo zeker. Je bent dus een fan van Arijit Singh. Ja, en die andere? Ik ben echt even vergeten, dus hou me even ten goede. En die andere is Eka Janabi. En dat is van hoe heet deze geweldige zanger? Dat is een hele oude. En die film? Kayametse Kayametek. Nou, je doet het heel goed. Kayametse Kayametek heeft heel veel hits. Toch? Die nog steeds zo goed in de smaak vallen. Opgeleverd. Geweldig. Ja. Mooie smaak. En goede stem moet ik zeggen. Dankjewel. Ja. Ja. En dan Fausia, misschien kan jij dan je verhaal nu even afmaken waar wat je daar net aan het vertellen was. Ja, dus ik schrok zodanig van dat lijk dat ik de komende weken of dagen, weet je, voor mij leken het wel jaren hoor, maar het zal wel geen jaren hebben geduurd, maar ik had haast elke avond een nachtmerrie over haar en over haar huid, weet je, dat ik zo ben geschrokken, waarschijnlijk de schrik heeft me getraumatiseerd, maar ze zeggen ook, mensen praten van ja, een lijk vindt het nooit leuk. Misschien heeft het niet leuk gevonden dat ik ben geschrokken of dat ik een opmerking heb gemaakt of opmerkingen heb gemaakt. Maar geloof me, ik had zoveel nachtmerries
daarover. Mm-hmm. Dat het een hele schaduw heeft geworpen over mijn jeugdjaren. Of over een deel van mijn jeugdjaren. Ik speelde graag buiten, maar als het 6 uur werd of 6:30 en het werd donker, dan kreeg ik een angstgevoel, bekroop mij van hé, ik ga straks weer dromen als ik ga slapen. Welkom terug in de studio van RBN met Sagar Kandhai. Sagar en Sagar. Sagarawat en Sagar Kandhai. Sagar Kandhai, welk ander nummer ga jij voor ons zingen? Oké, dan gaan we verder met nog een nummertje. En dat is... Laat ook kijken, ja. Gazab ka hai din, socho zara. Ye diwanapan, dekho zara. तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से अब ये प्यार न होगा फिर हम से Heb ik een vraag voor jou, Fausia? We hebben gezien recent of al een hele poos op social media rassenhaat. Dat er een verdeling is tussen verschillende rassen. Wat is jouw mening met betrekking tot rassenhaat in Suriname? Ik ben een felle tegenstander daarvan. Ik ga jou mijn ervaring ga ik vertellen over dit van rassen. Kijk, ik ben opgegroeid in een buurt waar meer Hindustanen en Javanen zijn. En zo ook op die school waar ik zat. Maar toen ik op de middelschool zat, kwam ik op een school waar er ook veel andere groepen had. Je had Kriolen. Ja. In de eerste klas, kijk, je komt uit een buurt. Ik was gewoon een sufferd. Een echte bubbel die ook nog vaak werd geplaagd. En ik kon echt niet op tegen al die plagerijtjes, dus ik was heel vaak het slachtoffer. In de tweede kreeg je pas Spaans, toch? In de tweede kreeg je op de middelschool Spaans. En die Spaanse vrouw was echt een flinke dame, een Creoolse vrouw. En God alleen weet waarom zij mij verplaatste. En zij zette mij in de buurt, in de klas. Waar je voor, achter, links, rechts Creoolse kinderen had. En ik kwam plotseling te zitten tussen Creolen. En ik als bobo, echte sufferd, ik moest even wennen. Maar geloof me, deze handeling van die juffrouw heeft mijn leven voor de rest veranderd. En ik ben haar tot nu toe dankbaar daarvoor. En niet alleen haar, maar ook die kinderen tussen wie ik zat. Ik ga jullie straks vertellen waarom. En dan gaan we nu verder luisteren naar Fausia, zodat ze haar verhaal kan afmaken. Dus toen ze me verplaatste, een grote bobo, waarschijnlijk had ze dat ook door, dat ik een sufferd was. Dat ik daar niet thuis hoorde, dat ik op een andere plek moest zitten. Toen kwam ik dus tussen hele flinke kinderen te zitten. Echt, bijna wil ik zeggen drukke kinderen. Maar vanuit mijn perspectief, ik vind ze niet druk. Ja. Het waren Creoolse kinderen en ze waren super. Super flink. En ik was een hele rustige nerd die altijd alle huiswerk had gemaakt, alle sommen begreep en eigenlijk alles in mijn schrift had. En dat vonden ze waarschijnlijk fijn, want ze konden dan mijn sommen lenen, mijn schriften lenen en ik werd heel goed behandeld door hun. En geloof me, als iemand me durfde te plagen, was iedereen, had ik zoveel advocaten. Nooit meer is het voorgekomen dat iemand op die school of uit die klas me heeft geplaagd. Omdat zoveel mensen voor me in de bres sprongen. En het waren diezelfde Creolen die dat voor me deden. En ik werd dankzij hun en hun gezelschap, hun nabijheid, werd ik zo flink dat er niets meer overbleef van die sufferd die ik was. Die bobo is gewoon verdwenen. En dankzij die plek, dankzij die juffrouw die me heeft verplaatst en dankzij die kinderen tussen wie ik zat, werd ik een flinkerd. En ik durfde te praten en ik had altijd goede cijfers voor spreekbeurten. En nooit meer heeft iemand me geplaagd. Ik was nooit meer het slachtoffer op school.
tot op de dag van vandaag. En daarvoor ben ik ze dankbaar. En het waren Creoolse kinderen. Dus als je me zegt, discriminatie en rassenhaat, ik ben een felle tegenstander ervan. Want ik vertel je mijn verhaal vanuit mijn perspectief. En het heeft mijn leven heel gunstig beïnvloed. Luister zeker naar die clips, die videoclips, die nummers die Sagerkant hij ten gehoor heeft gebracht. Ze zijn allemaal te beluisteren op YouTube onder zijn naam Sagerkant hij. En Sager, ik heb me laten vertellen dat je bezig bent aan je derde clip. Klopt. Ja, dus die informatie is snel naar buiten gekomen. Ik ben inderdaad bezig met mijn derde opname. Die komt, als ik het goed heb, over 2-3 weken. Ga ik hem naar buiten gooien. En ik zal een stukje ervan doen en dan gaan we het weer zoals eerder gezamenlijk doen. En het volgende nummer is Dilkadaria Behigaya Ishke Ibadat Banigaya Khud ko mujhe Mujhe chhoo rahi hai Tere garam sa Ik vind dat jij heel mooi kan zingen. Ik droom ervan om ook zo te kunnen zingen ooit. Vooral als ik kijk naar Shreya Ghoshal. Ja. De dag dat ik zo kan zingen, ik geef de hoop nog steeds niet op hoor. Want dromen, iedereen mag dromen toch? Ja, precies. Maar de dag dat ik zo mooi kan zingen, gaan we een duet samen doen. Dus dat wilde ik net gaan zeggen. Dankjewel voor de complimenten dat ik goed kan zingen. Maar je bent ook niet achter. Misschien dat we in de toekomst een duet kunnen gaan doen. Afgesproken. Ik ga heel hard oefenen. Bij elke opname, bij elke uitzending van de Hitparade ga ik oefenen. En dan krijg ik feedback van de kijkers. Als ik al goed ben op het niveau waarbij ik zeg, ik kan zeggen, ja, Sagan, let's shoot. Precies. Nou, ik weet zeker dat jullie hebben genoten van deze clips. Maar meer nog van Sagerkant hij. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je met ons hebt willen delen. En ik ben heel blij dat ik heb kunnen babbelen na langer dan 10 jaar, toch? Klopt. Het is misschien 12, 13 jaar geleden. Ik ben blij dat we hebben kunnen babbelen zo live, Sagar. En ja, ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting. Precies. Sagar, heb jij een boodschap als afsluiting? Ja, zeer zeker. Ik ben u natuurlijk ook dankbaar dat ik vandaag hier mocht zijn. Het was mij een eer om ook hier in de show, in je programma te zijn. En een boodschap aan de kijkers, stay safe, be healthy. Draag je mondkap, hand sanitizers vooral, want we leven in een COVID-pandemie momenteel. En let goed op jezelf, kijkers, en blijft u afgestemd. Er komen meerdere projecten van mij naar buiten. Dankjewel. Nou, Sagar, heel veel succes met alles dat je doet. Zet hem op en maak er het beste van. Wij volgen jou en wij wensen jou het allerbeste toe. U bent afgestemd op Rapas Broadcasting Network, kanaal 5.1. Mijn naam is Fosia en tot de volgende keer. VHP-parlementariër Mahinder Yogi eiste in 2019 ontslag van de toenmalige minister Regilio Dodson en Patrick Wengel, die een stichting en een NV hadden opgericht die inactief waren. Hij beklemtoonde dat ministers geen nevenfuncties mogen hebben. Nu blijkt dat de minister Armand Agaibersing en Albert Ramdien zitting hebben in de Raad van Commissarissen van Nieuw Surfim NV, die 100% een staatsonderneming is. Dodson en Pengel waren bezig met privézaken voor hunzelf, terwijl Agaibersing en Ramdien bezig zijn met iets van de staat. Het gaat hier om een 100% staatsonderneming en de president is daarvan ook op de hoogte, zegt Yogi aan Dagblad Suriname. Yogi brengt in herinnering dat de overheid met enorme financiële problemen te maken heeft die opgelost moeten worden. Indien bepaalde zaken over deze nieuwe staatsonderneming procedureel juridisch nog niet in orde zijn,
zouden die volgens hem alsnog in orde moeten worden gemaakt en gecorrigeerd. De rechter zal op donderdag 11 februari uitspraak doen in het kortgeding dat Sergio Akinboto heeft aangespannen tegen parlementsvoorzitter Marinus B. en de staat Suriname. Er wordt onder meer geëist dat het besluit van de parlementsvoorzitter Marinus B. om het lidmaatschap van Akinboto in te trekken onmiddellijk wordt teruggedraaid. De zaak is in het afgelopen weekend uitgeprocedeerd. B. houdt zich bij het standpunt dat Akinboto geen DNA-lid meer is, waardoor hij geen convocaties meer zal ontvangen voor participatie aan vergaderingen en ook niet zal inloggen in het elektronisch systeem. Ook is zijn naam en foto verwijderd van de ledenlijst op de website van het parlement. Voor bestuurskundige August Boldewijn is het conflict of interest. Het vervullen van een ministerpost en een RVC-lidmaatschap binnen het nieuw opgerichte Nieuw-Surfum NV gaan niet samen. De een maakt beleid en de ander voert beleid uit. Een minister zit in het politiek bestuur en is politiek verantwoordelijk en kan geen uitvoering geven aan het administratief bestuurlijke. Boldewijn zegt de nieuwe organisatie die is opgericht om inkomsten voor Suriname te verwerven, te zien als een administratieve aangelegenheid en niet als een politieke. Een politieke bestuurder kan niet daar gaan zitten om leiding te geven of verantwoording te dragen, want anders is er sprake van een dubbele functie, zegt hij. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname hebben dinsdag virtueel overleg gevoerd met de technische missie van het Internationaal Monetair Fonds IMF. Suriname sprak met het IMF over de mogelijkheden tot samenwerking. Dit meldt het ministerie van Financiën en Planning dinsdagavond. Tijdens het overleg werd vastgesteld dat Suriname op eigen kracht al veel werk heeft verricht zonder het IMF en andere financiële instellingen. Minister Achaibersing onderstreepte ook dat Suriname hoe dan ook het crisis- en herstelplan zal uitvoeren. De maatregelen die met het IMF besproken worden zijn allemaal onderdeel van het CHP. Het overleg met IMF gaat voort. Over belangrijke punten zoals de herschikking van de schulden en de wisselkoers moet nog verder gepraat worden. Van Surinaamse zijde is benadrukt dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van deze beleidsmaatregelen voor de totale samenleving, maar specifiek voor kwetsbare groepen. De laatste dagen klinkt meer en meer uit de samenleving de vraag waarom de gezondheidsautoriteiten niet overgaan tot het instellen van COVID-19 maatregelen per gebied ofwel per district. Maar die gedachtegang krijgt geen bijval van de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine. Hij maakte dinsdag in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname klip en klaar dat het land te maken heeft met community spreading. Ik denk dat er een beetje te makkelijk overheen gegaan wordt. De kaart van Suriname is vrij duidelijk. We hebben een community spreading en we hebben dus feitelijk overal wel COVID in het land, zegt de minister. Ambassadeur Rajinder Kargi heeft woensdagochtend zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander overhandigd in Paleis Noordeinde te Den Haag. Bij de overhandigingen werden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen. De ambassadeur kwam aan de achterzijde van Paleis Noordeinde aan met de auto. Het militair ceremonieel is aangepast. De geloofsbrieven werden niet rechtstreeks aan de koning overhandigd, maar door de ambassadeur op de tafel geplaatst. De benoeming van Kargi in december vorig jaar was de eerste ambassadeursbenoeming van de regering Santokki-Brunswijk. President Chandrika Prasad Santokki benadrukte bij de benoeming dat Suriname na een lange tijd weer een ambassadeur zal hebben in het Koninkrijk der Nederlanden. Terwijl woensdagochtend in Paleis Noordeinde in Den Haag ambassadeur Rajinder Kargi zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander overhandigde, heeft de nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname, de heer Henk van der Zwan, in het presidentieel paleis zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokki. Het is mijn genoegen om de ambassadeur een vruchtbare en effectieve ambtstermijn toe te wensen als de hoogste vertegenwoordiger van Nederland in Suriname, aldus Santokki.
Minister Kenneth Amoxie van Juspol heeft dinsdagochtend van de afdeling rijbewijzen van het Korps Politie Suriname, KPS, het eerste biometrische rijbewijs, ofwel e-rijbewijs, in ontvangst genomen. Het e-rijbewijssysteem is onderdeel van het vorig jaar maart ingevoerde document Security System, waaruit ook het e-ID-project is voortgevloeid. Minister Amoxie merkt op, net als hoofdinspecteur Marcel Blexen van de KPS-afdeling rijbewijzen, dat het project heel wat oponthoud heeft gehad. Een groot deel zou te wijten zijn aan stagnatie van de wetgeving. Per dag worden ruim 100 rijbewijzen gedrukt. Amoxie rekent erop dat de achterstand in het afgeven van rijbewijzen wordt weggewerkt, ook in de districten waar het e-rijbewijs voorlopig ook zal worden verstrekt. Naast Paramaribo zijn dat Mungo en Nikeri. De 71-jarige hartpatiënt George Biervliet is woedend op de Stichting Statieke Fonds, ofwel SZF. Van de ene op de andere dag krijgt Biervliet, die leeft met een pacemaker, geen ontheffing meer voor 4 medicijnen, waaronder medicijnen die bloedstolling moeten voorkomen. Wanneer het bloed stolt bij zijn hart, kan dat de dood tot gevolg hebben. In gesprek met Dagblad Suriname zei Biervliet dinsdag dat hij van de vorige regering ontheffing had gekregen. Ontheffing om de voor hem zeer noodzakelijke medicijnen te kunnen krijgen bij de apotheek zonder betaling. Onlangs had ik een nieuwe aanvraag voor ontheffing ingediend en tot mijn schrik werd mij bij bezoek aan de apotheek om mijn medicijnen te halen verteld dat ik die niet meer kreeg. Mijn aanvraag was afgewezen zonder opgave van reden. Ik moet er nu voor betalen, maar het gaat in totaal om duizenden SAD's, zegt hij.